हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंड्स लेक्चर नंबर 15 ऑफ बी फर्स्ट ईयर पेपर टू इंडिया एंड एजुकेशन आज की इस वीडियो का हमारा मुद्दा है रिकमेंडेशंस ऑफ मैकालेज मिनट यानी कि लॉर्ड मैकाले ने क्या घोषणाएं की थी क्या क्या रिकमेंडेशन किए थे इंडियन एजुकेशन के रिलेटेड आज इसमें चर्चा करेंगे हम लोग क्वेश्चन है डिस्कस द फीचर्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ मेकालिज मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन इन डिटेल यानी कि डिस्कस करना है हमें क्या रिकमेंडेशंस कड़ी थी लॉर्ड मैकाले ने इंडियन एजुकेशन को और सुधारने के लिए इसके बारे में हम सब चर्चा करेंगे डिटेल में मेकालिज मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन ऑल्सो नोन एज मेकालिज मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन पॉलिसी एटीन थर्टी फाइव वॉज अ सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट दैट हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड यानी कि भारत में जिस समय ब्रिटिश लोगों का शासन चल रहा था तो 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी जिसे कि मैकालेज मिनट कहा जाता है और इसका इंडियन एजुकेशन पर बहुत ही सिग्निफिकेंट असर पड़ा था ठीक तो असल में मिनट्स एक डॉक्यूमेंट है जिसको प्रिपेयर किया था थॉमस बेबिंगटन मेकॉले ने ठीक सो इट वाज रिटर्न बाय थॉमस बेबिंगटन मेकॉले अ ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन एंड द मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल इन इंडिया तो लॉर्ड मेकॉले कौन थे इनका पूरा नाम है थॉमस बेबिंगटन मेकॉले जो कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे ये ब्रिटिश इतिहासकार थे पॉलिटिशियन भी थे और साथ ही साथ ये मेंबर ऑफ़ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल इन इंडिया थे यानी इंडिया में जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी ये उसके मेंबर थे और इनको काम दिया गया था द मेकाले मिनट इनको लिखने का काम दिया था दैट इज़ द मिनट आउटलाइन मैकालेज व्यूज़ ऑन द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड द करिकुलम टू बी फॉलोड इन इंडियन स्कूल्स तो इनको जो काम दिया गया था कि इंडियन स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाए किस लैंग्वेज में शिक्षा दी जाए इंडियंस को इसके लिए इनको एक ड्राफ्ट तैयार करना था इन्होंने वही तैयार किया एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसमें इन्होंने क्या किया आउटलाइन किया अपना खुद का व्यू यानी मैकाले जी का क्या व्यू था क्या नज़रिया था कैसे इंडियन स्कूल्स में एजुकेशन देनी है किस लैंग्वेज में पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है पाठ्यक्रम में करिकुलम में क्या क्या चीज़ों को शामिल करना है इससे रिलेटेड इन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जिससे कि मैकालीज मिनट कहते हैं और ये इन्होंने 1835 में 1835 सौ में किया था लेट्स डिस्कस द फीचर्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ मैकालीज मिनट इन डिटेल तो चलिए डिस्कस करते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने क्या क्या रिकमेंडेशंस किए थे क्या क्या सुझाव दिए थे इंडियन एजुकेशन को और बेहतर करने के लिए फर्स्ट है लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन मैकालीज मिनट एडवोकेटेड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लैंग्वेजेस सच एज संस्कृत एंड Arabic with इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडियन स्कूल्स तो सबसे पहला बात तो इन्होंने कहा था कि जो लैंग्वेज यूज़ करी जानी है इंडियन स्कूल्स में एजुकेशन के purpose के लिए वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही होना चाहिए बाकी जो यहाँ लोकल स्कूल्स में संस्कृत और Arabic लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी संस्कृत और अरबी भाषाएँ इस पर इन्होंने प्रतिबंध करने को कहा जो परंपरागत रूप से चलती आ रही लैंग्वेज थी भारतीयों की उसको इन्होंने फुल्ली इग्नोर किया और इन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए वो इंग्लिश मीडियम होना चाहिए मैकॉले बिलीव्ड दैट इंग्लिश वाज अ सुपीरियर लैंग्वेज एंड दैट इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर इंडियंस टू लर्न इंग्लिश एज इट वुड इनेबल देम टू मॉडर्न साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज एंड एंगेज विथ वेस्टर्न लिटरेचर एंड फिलोसफी तो लॉर्ड मैकाले का ऐसा मानना था कि इंग्लिश जो है एक सुपीरियर लैंग्वेज है इंडियन लैंग्वेज जो संस्कृत और अरबी है इनसे ज़्यादा सुपीरियर लैंग्वेज इंग्लिश है क्योंकि इसको जानने के बाद इंडियंस अगर इंग्लिश सीख लेते हैं तो इसको जानने के बाद वो ज़्यादा बेहतर साइंटिफिक रूप से समझ पाएंगे मॉडर्न वर्ल्ड को उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा और साथ ही साथ जो वेस्टर्न लिटरेचर और फिलासफ़ी है ठीक यानी वेस्टर्न कंट्री यूरोपियन और अमेरिकन जो लिटरेचर और फ़िलासफ़ी है उसे वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे सेकेंड बात है इसमें वेस्टर्न एजुकेशन मैकॉले एम्फेसाइज द नीड टू इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया यानी लॉर्ड मैकॉले ने यह बात जाहिर की कि इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन यानी यूरोप के देशों में और अमेरिका में जैसी एजुकेशन दी जाती है इंडिया के लोगों को सेम वैसी एजुकेशन देनी चाहिए ही आर्ग्यूड दैट वेस्टर्न नॉलेज पर्टिकुलरली द साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज वाज मोर एडवांस्ड एंड प्रैक्टिकल दैन ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज यानी कि लॉर्ड मैकाले का ऐसा मानना था कि वेस्टर्न नॉलेज जो है वो ज़्यादा बेहतर है जो साइंस की नॉलेज और ये ह्यूमैनिटीज़ की नॉलेज यानी कि इंसानियत की नॉलेज जो है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड इन सब मानवाधिकारों का नॉलेज और विज्ञान की नॉलेज उन्हें लगता था ये ज़्यादा एडवांस्ड है और जो कि सच में एडवांस है भी ये सब चीज एंड प्रैक्टिकल दैन ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज यानी कि जो ट्रेडिशनल परम्परागत तरह से जो भारत में जो शिक्षा दी जाती थी उन सबसे ज़्यादा बेटर इन्होंने सोचा कि साइंस और ह्यूमैनिटीज़ हुमेन, की पढ़ाई कराई जाए मैकाले बिलीव दैट बाय इम्पार्टिंग वेस्टर्न एजुकेशन इंडियंस वुड बी बेटर प्रिपेयर्ड टू तो गवर्न देम एंड पार्टिसिपेट इन द मॉडर्न वर्ल्ड तो मैकाले का ऐसा विश्वास था कि वेस्टर्न एजुकेशन पा करके इंडियंस ज़्यादा बेहतर तैयार हो पाएंगे अपने आप को गवर्न करने के लिए यानी कि उनको कैसे पॉलिटिकल सिस्टम चलता है इसकी बेहतर समझ हो पाएगी और मॉडर्न वर्ल्ड में अच्छे से वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे आधुनिक ज़िंदगी जो है उसमें और अच्छे से मिलजुल करके रह पाएंगे करिकुलम रिफॉर्म मैकॉले रिकमेंडेड अ सिग्निफिकेंट ओवरहॉल ऑफ द इंडियन करिकुलम यानी कि लॉर्ड मैकाले ने ये भी रिकमेंड किया कि इंडिया में जो इंडियन करिकुलम चल रहा है जो देसी पाठ्यक्रम चल रहा है उसको हटाने की ज़रूरत है ही प्रपोज्ड दैट द फोकस शुड शिफ्ट फ्रॉम रिलीजियस एंड क्लासिकल टेक्स्ट टू सब्जेक्ट्स सचैस मैथेमेटिक्स नैचुरल साइंसेस फ़िलासफी एंड हिस्ट्री तो लॉर्ड मेकॉलेजी का ये कदम था कि जो इंडिया की जो एजुकेशन थी जो कि धार्मिक और क्लासिकल सांस्कृतिक चीज़ों पर ज़्यादा बल देती थी इन्होंने कहा नहीं इन सब चीज़ों पर उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है ये सब बेकार चीज़ है और ज़्यादा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है मैथमेटिक्स नैचुरल साइंसिस फ़िलासफी और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स पर एक यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल व्यक्ति थे और ये अंधविश्वासी बिल्कुल भी नहीं थे तो इस तरह का इनका सोच था तो इन्होंने बहुत ही साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की कोशिश की थी तो मैथमेटिक्स नेचुरल साइंस फिलासफी और हिस्ट्री का ज्ञान देने की कोशिश इन्होंने की मैकॉले बिलीव्ड दैट दिस करिकुलम वुड प्रोवाइड इंडियंस विथ प्रैक्टिकल स्किल्स एंड नॉलेज दैट वेर असेंशियल फॉर देयर प्रोग्रेस तो Macaulay जी का ऐसा मानना था कि अगर पाठ्यक्रम में ये सब चीज़ें शामिल करी जाएँ इन सब्जेक्ट्स को तो इंडियंस को इससे प्रैक्टिकल स्किल्स मिलेगी उनका नॉलेज भी एक प्रैक्टिकल लेवल पर ग्रो करेगा और ये सारी चीज़ें उनके प्रोग्रेस के लिए यानी इंडियन के प्रोग्रेस के लिए जरूरी थी इसीलिए इन्होंने करिकुलम को ही रिफ़ॉर्म किया यानी देसी जो पढ़ाई लिखाई चल रही थी धार्मिक ग्रंथों की उसको इन्होंने बंद करवाया और उसकी जगह पर इन्होंने मैथमेटिक्स साइंस फ़िलासफी और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया साथ ही साथ इंग्लिश लिटरेचर को भी इन्होंने इंक्लूड किया था वेस्टर्न लिटरेचर ठीक तो मेकॉले इम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न लिटरेचर स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर इन टू द इंडियन एजुकेशन सिस्टम तो लॉर्ड मेकॉले ने ये इंग्लिश लिटरेचर को या वेस्टर्न लिटरेचर आप जो कहें इसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया था ही बिलीव्ड दैट लिटरेचर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज़ उनका मानना था कि ये जो लिटरेचर है जिसे साहित्य कहते हैं हिंदी में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है व्यक्ति को मॉडल बनाने में यानी नैतिक बनाने में और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उसका करने में ठीक यानी कि बुद्धि से और नैतिकता से डेवलपमेंट कराने में लिटरेचर का बहुत बड़ा योगदान होता है और हर एक व्यक्ति जो कि समाज में एक अच्छा नागरिक से बनना चाहिए उसे लिटरेचर ज़रूर पढ़ना चाहिए बाई स्टडींग वेस्टर्न लिटरेचर इंडियंस वुड बी एक्सपोज टू डिफरेंट परस्पेक्टिव्स एंड आइडियाज़ इनेबलिंग दैम टू ब्रॉड एन देर इंटेलेक्चुअल होराइज़न्स तो उनका ये भी मानना था कि वेस्टर्न लिटरेचर की पढ़ाई करे अगर इंडियंस तो उनका जो नज़रिया है वो और वृहत होगा वो चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से देखेंगे उनके माइंड में और क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे और इस तरह से उनका जो सोच है जो छोटा नैरो माइंडेड सोच है वो और ज़्यादा डेवलप होगा और उनकी बुद्धि और ज़्यादा विकसित होगी सेक्युलर एजुकेशन माई कॉलेज मिनट रिकमेंडेड अ सेक्युलर अप्रोच टू एजुकेशन यानी कि इन्होंने किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया एजुकेशन में ही सजेस्टेड दैट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम बट रैदर लेफ्ट टू द प्राइवेट स्फीयर अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन्स फ्रीली यानी कि इन्होंने सजेस्ट किया कि धार्मिक जो इंस्ट्रक्शन है धार्मिक निर्देश इन सब चीज़ों को एजुकेशन सिस्टम का पार्ट कतई नहीं बनाना है इसे लोगों के प्राइवेट फैसले पर छोड़ना चाहिए लोग अपने लिए खुद घर में डिसाइड करें कि उनको कौन से इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअली उनको कौन से धर्म का पालन करना है ये पढ़ाई से धर्म का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए नेक्स्ट है रिकमेंडेशंस एंड क्रिटिसिजम अब देखते हैं क्या क्या इन्होंने रिकमेंडेशन और क्या क्रिटिसिजम हुए तो इंग्लिश प्रोफिशेंसी मैकाले रिकमेंडेशन ऑफ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इन इंडिया यानी कि लॉर्ड मैकाले ने जो रिकमेंड किया था कि इंडिया में स्कूल्स में जो इंस्ट्रक्शन होने चाहिए पढ़ाई लिखाई के वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए और इसी आधार पर भारत में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की स्थापना बहुत सारी हुई दिस पॉलिसी हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट एज़ इंग्लिश became the लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हायर एजुकेशन एंड the elite इन इंडिया यानी कि जो ये मैकॉले मिनट आया इनकी ये जो पॉलिसी थी इसका बहुत ही व्यापक असर हुआ लंबे समय तक इसका असर रहा और अभी भी है कि इंग्लिश जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज बन गई हायर एजुकेशन की लैंग्वेज बन गई उच्च शिक्षा की लैंग्वेज बन गई और एलिट जो कि बहुत ही सुपर रिच कैटेगरी के लोग होते हैं उनकी भी लैंग्वेज इंग्लिश ही है इट फैसिलिटेड एसिस टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मॉडर्न नॉलेज एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन फॉर दोज हु कुड अफर्ड इंग्लिश एजुकेशन तो इनकी ये जो मिनट की जो रिकमेंडेशंस थी इसके आधार पर जो शिक्षा व्यवस्था आई उससे ये फैसिलिटी मिली कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली यानी रोज़गार के अवसर बन गए और मॉडर्न नॉलेज लोगों को आधुनिक नॉलेज मिला और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यानी कि एक देश से दूसरे देश में जाने के बाद उन्हें बातचीत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने लगी उन लोगों को जो कि इंग्लिश एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते थे जो इतना पैसा खर्च कर सकते थे हाएवर इट ऑल्सो क्रिएटेड अ लैंग्वेज बैरियर फॉर अ लार्ज सेगमेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिमिटिंग देयर एक्सेस टू एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ तो मेकोलॉजी का कहीं ना कहीं ये जो कदम था इंग्लिश पूरी तरह से हंड्रेड सिर्फ इंग्लिश मीडियम में इंस्ट्रक्शन देना है स्कूल में इससे फ़ायदा भी हुआ और नुकसान भी हो गया फ़ायदा तो कुछ लोगों को हुआ जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते थे उनको बहुत फ़ायदा हुआ भाई उनको एजुकेशन भी मिला उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिला उनका लाइफ भी हाई हुआ लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय समाज का इस लैंग्वेज को समझ नहीं पाता था जिसकी और ना ही उनके पास उतने ज़्यादा पैसे थे जिसकी वजह से वो लोग पढ़ लिख नहीं पाए एक बहुत बड़ा वर्ग इंडियन पॉपुलेशन का वो एजुकेशन से वंचित रह गया उनको एजुकेशन के अवसर ही प्राप्त नहीं हो सके ड्यू टू दिस इंग्लिश लैंग्वेज फिर नेग्लेक्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ये भी एक क्रिटिसिज्म है द इम्फेसिस ऑन इंग्लिश एंड द सब्सिक्वेंट नेग्लेक्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज रिजल्टेड इन अ लॉस ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक हेरिटेज यानी कि मैकॉले ने जो सिस्टम बनाया पढ़ाई लिखाई में इंग्लिश लैंग्वेज को ही सिर्फ इंस्ट्रक्शन के रूप में यूज करना था इससे जो इंडियन लैंग्वेजेस थी इसको फुल्ली नेग्लेक्ट किया गया इग्नोर किया गया और जिसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय कल्चर और जो भारतीय भाषाएं हैं इसको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा, इसको लॉस हुआ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम्स लिटरेचर्स एंड टेक्स रिटर्न इन इंडियन लैंग्वेजेस वे आर मार्जिनलाइज्ड लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन देयर स्टडी एंड प्रिजर्वेशन तो इंग्लिश को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया मेकॉलोजी के सिस्टम में कि जो ट्रेडिशनल इंडियन लैंग्वेजेस थी जो ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम में जो लिटरेचर्स लिखे गए थे जो टेक्स्ट लिखे गए थे उन सब को बहुत ही मार्जिनलाइज कर दिया गया इग्नोर किया जाने लगा कोई वैल्यू उन सब चीज़ों की बची नहीं और उन लोगों की उन चीज़ों की स्टडी भी गिरावट आ गई ऐसी चीज़ों भारतीय जो नॉलेज था उसमें बहुत गिरावट हुई और कोई उसको प्रिजर्व भी नहीं करना चाह रहा था सो दिस पॉलिसी ऑल्सो क्रिएटेड अ डिवाइड बिटवीन द इंग्लिश एजुकेटेड एलिट एंड द मासस को प्राइमरली स्पोक इंडिजीनियस लैंग्वेज तो ये जो इंग्लिश भाषा के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किया गया पूरी तरह से इससे उस जमाने में बहुत बड़ा एक डिविज़न देखने को मिला एक तरफ तो एजुकेटेड इंग्लिश एजुकेटेड एलीट वर्ग के लोग थे बहुत ही उच्च वर्ग के जो संपन्न लोग हुए और दूसरी तरफ भारी संख्या में जनता जो कि देसी भाषा बोलती थी जो इंडिजीनियस लैंग्वेज बोल रही थी ये लोग और जो इंग्लिश बोलने वाले जो भारती जो पढ़े लिखे जो लोग थे इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा फ़र्क आना स्टार्ट हो गया था वेस्टर्न बायस मेकॉलेज रिकमेंडेशन वे आर फॉर देयर वेस्टर्न बायस एंड यूरोसेंट्रिक अप्रोच मेकॉले का जो रिकमेंडेशंस है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक तरफा काम किया यानी वेस्टर्न चीज़ों को उन्होंने ज़्यादा हाईलाइट कर दिया यूरोपीय जो सोच है उसको इंडियन समाज पर थोप दिया उन्होंने एजुकेशनल सिस्टम में द मिनट अंडर माइंड द वैल्यू एंड रेलिवेंस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम विच हैड सस्टेन्ड इंडियन सोसाइटी फॉर सेंचुरीज तो मैकॉलो मिनट जी मैकॉलो मिनट के तहत जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उस डॉक्यूमेंट में पूरी तरह से इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को इग्नोर किया गया और इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझा गया कि ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम के ही दम पर ये इंडियन सोसाइटी सदियों से कायम रही थी और उसे इन्होंने फुल्ली इग्नोर किया इट ऑल्सो ओवर द सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड इम्पोज वेस्टर्न आइडियल्स एंड वैल्यूज़ विदाउट कंसिडरिंग द इंडीजीनियस कल्चरल एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस यानी कि इन्होंने मेकाले ने क्या किया ओवर लुक कर दिया यानी बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर दिया सोसाइटी और कल्चर पर क्या असर पड़ेगा इंडिया के कल्चर पर अगर Western ideals एक एक, साड़ी वेस्टर्न आइडियल्स एकाएक सारी वेस्टर्न चीज़ें उनके सिलेबस में उनके बच्चों को पढ़ने के लिए अगर एकाएक एक उन पर थोप दी जाएँ ये सारी चीज़ें तो इंडियन कल्चर और इंडियन सोसाइटी पर क्या असर इसका प्रतिकूल क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा फिर एजुकेशन फ़ॉर एलीट मेकॉलेज मिनट प्राइमरली फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द इंडियन एलीट हु हैड टू इंग्लिश एजुकेशन यानी कि मेकॉले मिनट जो था ये पूरी तरह से फोकस किया इंडिया के जो बहुत ही अलीट वर्ग के लोग थे जो बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग थे जो पढ़ पाते थे इंग्लिश एजुकेशन जो ले सकते थे ये उनके लिए था द मेजोरिटी ऑफ द पोपुलेशन स्पेशली दोज इन रूरल एरियाज एंड लोअर सोशियो इकोमिक बैकग्राउंड वे एक्सक्लूडेड फ्राम द बेिफिट्स ऑफ दिस सिस्टम तो मैकॉले मिनट के तहत जो एजुकेशन सिस्टम आया उसमें गिने चुने जो समाज के उच्च वर्ग के जो लोग थे जो रिच पीपल थे वही सिर्फ पढ़ पाए जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी भारत की जो कि ग्रामीण गर इलाके में रहती थी और जिनका इनकम उतना ज़्यादा नहीं था ऐसे गरीब लोग इस सिस्टम का लाभ नहीं उठा पाए दिस फर्दर एग्जरेटेड सोशल एंड एकॉनमिक इनकोलिटीज़ इन इंडिया जिससे कि और ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक जो खाई थी जो दूरी थी वो और ज़्यादा बढ़ती चली गई मॉडर्नाइजेशन एंड प्रोग्रेस सपोर्टर्स ऑफ मेकॉलेज मिनट आर्ग्यू दैट इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मॉडर्नाइजिंग इंडिया एंड लेइंग द फाउंडेशन फॉर इट्स इंटेक्चुअल एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस तो मेकॉले मिनट के सपोर्टर्स इस बात पर बहस करते हैं वो ये बात रखते हैं कि मेकॉलेजी ने जो भी किया वो ठीक किया इंडिया को मॉडर्न बनाने के लिए किया और इंडिया को और ज़्यादा इंटेलैक्चुअल और साइंटिफिक प्रोग्रेस करवाने के लिए किया यानी कि मैकाले की बनाई गई सोच जो थी जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो इंडिया को विकसित करने के लिए इंडिया को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए सही था दे बिलीव दैट इंग्लिश एजुकेशन ओपनड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियंस टू इंगेज विथ ग्लोबल नॉलेज एंड पार्टिसिपेट इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड एकेडमिक एजुकेशन तो सपोर्टर्स जो है मैकान मिनट के उनका ये विश्वास है कि इंग्लिश एजुकेशन ने रास्ता खोल दिया बहुत सारे ऐसे अवसर खोल दिए इंडियंस के लिए जहाँ पर वो ग्लोबल नॉलेज ले सकें यानी पूरे विश्व लेवल का नॉलेज अब वो हासिल कर सकते थे अब पूरी दुनिया भर का जो भी नॉलेज था वो हिंदी में तो लिखा हुआ था नहीं ना ही संस्कृत में तो ना ही उर्दू में किसी में नहीं ना ही अरबी में तो इंग्लिश एक लौता लैंग्वेज था जो कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट कर सकता था तो इसीलिए मैकॉले का जो इंग्लिश एजुकेशन वाला मॉडल था उसने बहुत सारे रास्ते खोले बहुत सारी ऐसे अवसर दिए इंडियंस को कि वो ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट बने साथ ही साथ पार्टिसिपेट कर सकें बहुत सारे इंटरनेशनल फील्ड्स पर और साथ ही साथ उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन लॉ और एकेडमिक एजुकेशन का ज्ञान हो सके बहुत अच्छे से मैकॉलेज मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन हैड अ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द इंडियन एजुकेशनल सिस्टम शेपिंग इट्स ए फॉर ईयर्स टू कम तो मिनट का जो भारतीय एजुकेशन में बहुत ही गहरा असर पड़ा बहुत दूर तक इनका असर पड़ा कई सालों तक मैकालमिनट्स जब आया तो उसके कई सालों बाद तक इसका असर भारतीय एजुकेशनल सिस्टम पर देखने को मिलता रहा वाइल इट ब्राउट सर्टन बेनिफिट्स एंड एडवांसमेंट इट ऑल्सो हैड इट्स लिमिटेशन एंड ड्रॉबैक्स तो मिनट ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें बहुत सारी फ़ायदे भी दिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में लेकिन काफ़ी कुछ लिमिटेशन भी था इसका काफ़ी ज़्यादा इसके नुकसान भी रहे द ऑन गोइंग डिबेट्स सराउंडिंग द लेगेसी ऑफ मिनट रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेटेड नेचर ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिस पॉलिसीज़ एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर पोस्ट कोलोनियल सोसाइटीज़ लाइक इंडिया तो जो ऑन गोइंग डिबेट चलता आ रहा है मैकॉलोमिनट अच्छा था या बुरा था ठीक ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के टाइम में जो एजुकेशन दिया गया इंडिया में उसमें मेकॉलोमिनट का योगदान सही रहा या गलत रहा इस पर बहुत सारे डिबेट्स चलते रहते हैं अभी भी ठीक और जिससे कि जिसके तहत हम सब ये देख पाते हैं कि जो इंडिया जैसा देश जो कि कॉलोनियल सोसाइटी पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी बना यानी कि आज़ादी पाया ब्रिटिश कॉलोनी से उसका एजुकेशन सिस्टम जो बना आज़ादी के बाद उसमें भी मैकाले मिनट का काफ़ी कुछ योगदान रहा इस पर लेकर के डिबेट जारी रहता है तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव